Hi guys, so today I'm doing with you the 150 question series part 3, that is day 3. So today we'll do reading comprehension from it. That will be from question number 11 to question number 15. So do subscribe to our channel Anuj Jindal for more beneficial videos that will definitely help you in your further exams who are preparing for UGC NET JRF. So firstly, let me tell you about what reading comprehension is. So reading comprehension एक passage है, ये सबसे easiest section होता है इस paper का, because exactly wordings same रहती है. आप passage पढ़ेंगे, आप questions पढ़ेंगे, तो आप directly relate कर पाएंगे उन चीज़ों से. कोई synonyms, antonyms या कुछ भी ऐसा analysis वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती है, direct questions पूछे जाते हैं जो आपको exact lines आपको passage में मिल सकती है. अब इसको करने का तरीका क्या होता है? Firstly, you have to read the passage carefully. But before that, you have to read the questions. So, पहले questions पढ़ने से आपको एक idea हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे आपको passage में ध्यान देना है. आप keywords देखिए questions के कि questions पूछे क्या गए हैं. पहले पांचों questions आप reading comprehension के पढ़िए. उसके बाद आप passage जब पढ़ेंगे तो उस आप मार्क कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस में से आंसर्स थे, तो आपको वापस से पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए. सो लेट्स स्टडी, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो ये एक पैसेज दिया हुआ है, एक पेपर में से मैंने लिया है ये पैसेज. सो क्वेश्चन नंबर इसमें जो आया है, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ द फोर्थ डायमेंशन. सो बेसिकली फोर्थ डायमेंशन में से उन्होंने हमसे पूछा है. आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको ये डायरेक्ट आंसर फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा. वापस से ये आंसर यहाँ पे रिपीट किया गया है. सो द आंसर इज पीपल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इकोनॉमी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट. तो ये आंसर डायरेक्टली उसी वर्डिंग का है विच इज़ फोर्थ डायमेंशन. तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप वापस से जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप फोर्थ डायमेंशन वर्ड को ढूंढो. तो फोर्थ डायमेंशन वर्ड जहाँ पे की वर्ड होगा उसी के आगे आंसर आपका कहीं आसपास होगा. सो एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इकोनॉमी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट विच इज ए सी डी. सो योर ऑप्शन इज 3. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स. सो यहाँ पे कीवर्ड आप जो दिमाग में रखेंगे वो है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स. तो इसका भी आंसर डायरेक्ट होगा विच इज टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स आर द की टू क्रिएटिंग मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इन एन इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव मार्केट प्लेस. सो योर आंसर विल बी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ. अब आप आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, लिमिटिंग कंपेटिटिव मार्केट प्लेस, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, लार्ज इंडस्ट्रीज एंड परवेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड लीड टू. अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कीवर्ड होगा. आप पहले सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा ज़रूर से, उसके बाद आप कीवर्ड्स देखेंगे. आप पैसेज जब पढ़ेंगे तो वही कीवर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे, तो आप आंसर्स इजीली मार्क कर सकते हैं अपने. एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, द एब्सेंस ऑफ ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल इम्पेटस कुड लीड टू लोअर प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज ऑफ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज, एक्टिविटीज विद लो प्रोडक्टिविटी और लो वैल्यू एडिशन इन द फाइनल एनालिसिस हर्ट द पुअरेस्ट मोस्ट. तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, लोअर प्रोडक्टिविटी, प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज एंड विच हर्ट्स द पुअरेस्ट मोस्ट. सो वेस्टेज, लो वैल्यू एडिशन, हर्टिंग द पुअरेस्ट मोस्ट. योर आंसर विल बी बी सी डी विच इज ऑप्शन नंबर 2. Then we have the advantage if the technological inputs would result in. So that is unbridled technological growth, importing plant machinery, sidelining environmental issues and lifting up people to a life of dignity, which is the option here and the answer here. So आप technological inputs के advantages जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर directly मिल जाएगा for ensuring nutritional health security for people or for better living conditions, technology is the only vital input. सो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट आंसर्स आपको मिलते हैं. यू आर गेटिंग डायरेक्ट आंसर्स, नो एनालिसिस इज देयर. सो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज एंड यू विल गेट द कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस. देन यू लोकेट द कीवर्ड्स इन द पैसेज व्हाइल यू आर रीडिंग देम एंड यू विल डेफिनेटली सेव टाइम ऑन दिस. Then we have question number 15, envisioning a developed India requires aspiration to become a major economic player, dependence on upon
projects designed abroad focus on short-term projects and development of core technological strengths. So option is 4 and the answer is 4. यहाँ पे आपको आंसर लास्ट लाइन में मिलेगा डेवलप कोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ विद इन अ इंडस्ट्री आर वाइटल फॉर एनविजनिंग अ डेवलपिंग इंडिया. सो डेवलपमेंट ऑफ द कोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ. सो दिस इज द आंसर. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर क्वेरीज. मैसेज ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस, हैव द कीवर्ड्स इन योर माइंड एंड देन व्हाइल रीडिंग द पैसेज लोकेट दोज कीवर्ड्स इन द पैसेज एंड दैट विल सेव मच मोर टाइम. So reading comprehension in UGC paper is basically very direct, no analysis, no synonyms, no antonyms, nothing is there, just the keywords and the answers you have to mark in the passage. Thank you.